महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल में रच दिया इतिहास। डेथ ओवर में बनाए हैं सबसे बड़ा रिकॉर्ड। पोलार्ड से भी आगे निकल गए हैं 800 रन आगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्पोर्ट के और नई वीडियो में। तो दोस्तों क्या है बड़ी खबर, बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को एक विस्फोटक बल्लेबाज के साथ साथ महान कप्तान भी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और चैनल पर पहली बार है तो आईपीएल से जुड़ी छोटी बड़ी खबर पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के खबरें बढ़ते आगे और देखते हैं आज की पूरी अपडेट। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी मिलते ही एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग टीम जीत की पटरी पर लौट आई है। रविवार को चेन्नई सुपर किंग टीम और दिल्ली कैपिटल के साथ यह मैच हुआ। धोनी के धुरंधरों ने पहली पारी में खेलते हुए 208 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें डेवन कॉर्न ने 87 रन का अहम योगदान दिया। अंत में ओवरों में आज धोनी ने भी इस मैदान पर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। धोनी ने डेथ ओवर में 2500 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। अच्छी बात यह है कि धोनी के बाद दूसरे नंबर पर किरण पोलार्ड है, जो कि 802 रन बनाकर उनसे पीछे हैं। दोस्तों डेस्ट ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने की बात करें तो 2507 रन महेंद्र सिंह धोनी के नाम हो। वहीं दूसरे नंबर पर किनाल पोड़ा जिन्होंने 1705 रन बनाए हैं। वहीं तीसरे नंबर पर एविड एविलियर्स हैं जिन्होंने 1421 रन बनाए हैं। चौथे नंबर पर दिनेश कार्तिक जिन्होंने 1244 रन बनाए हैं, जबकि पांचवें नंबर पर रविंद्र जडेजा आते हैं, इन्होंने 1155 रन बनाए हैं। और आखिरी स्थान पर रोहित शर्मा जिन्होंने 1145 रन बनाए हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि धोनी विराट कोहली के बाद T20 में सबसे ज्यादा 6000 रन पूरे करने वाले दूसरे कप्तान बन गए हैं। उन्होंने मुंबई में डॉक्टर डीवाई स्टेडियम स्टार एकेडमी में दिल्ली कैपिटल्स फिलहाल मैच में यह अनूठी उपलब्धि हासिल करने का एकमात्र रन चाहिए था और यह छक्का लगाकर पूरे करके अपने नाम कर लिया है। धोनी आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाले भी खिलाड़ी बन चुके हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी बस इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें तथा आईपीएल से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों आज की खबर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।